जा रहे हैं जार्विस बे की तरफ, लेकिन अभी मंजिल कहीं हमें पास नज़र नहीं आ रही है। और इन भाई का कहना था कि हम लोग तकरीबन 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरी घड़ी देख सकते हैं तो तकरीबन 5 बज गए हैं लेकिन मंजिल कहीं पास नहीं। 6:15 और देखते हैं कि ये कब तक ETA ऐसा रहता है। दूसरी गाड़ी अगर आप देखें तो कहीं पीछे नज़र आ रही होगी। अच्छा ही है। वहाँ पहुँचने से पहले ही अंधेरा हो चुका था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त डे लाइट सेविंग चल रही है, जिसका मतलब है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो हमें अंधेरे में अपना टेंट लगाना पड़ा और बारबेक्यू करना पड़ा। बाकी की वीडियो नेक्स्ट डे। भाई कैंपिंग हुई है पूरी रात और सो के उठा मैं तो अभी, लेकिन कहते हैं ना कि कैंपिंग के लिए आप जब भी आएँ पूरी तैयारी के साथ आएँ। यार ये कौन है इधर? मैं हूँ रफी। अच्छा वही मैं कौन, एक बंदा मिसिंग है, रफ़ी है इधर। भाई आप देख सकते हैं इतना तो सेटअप पूरा था। मैं उठाऊँ अभी देखने के लिए तो एक टेंट खाली है, एक टेंट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि सीन ऐसा है कि लौंडे गाड़ियों में सो रहे हैं। आ जाओ जवान, उठ जाओ। वो यार उठने का टाइम है रेहान, रेहान खान वाली थोड़ा टाइम देते हैं यार भाई। यार अबे उठ गए हैं, उठने दो मेरे, क्या करूँ। चल मैं, हम लोग जा रहे हैं बीच पे। मैं अभी दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी छोर पे हूँ और यहाँ बहुत ठंड है। अच्छा जी, तो रात को पहुँचे थे कैंपिंग करने के लिए, लेकिन इतना अंधेरा हो चुका था कि हमें रात को आते ही टेंट वगैरह लगाना पड़ा और अपने खाने वाने का इंतज़ाम करना पड़ा। ये हमारा टेंट लगा हुआ है और अब सुबह हो गई है, फ्रेश हो गए हैं हम लोग। सुबह काफ़ी देर से हुई है क्योंकि 4 लड़के जो हैं वो रात को गाड़ी में सोए हैं आउट ऑफ 5 और मैं टेंट में। क्योंकि फ़ायदा क्या है अगर आपने कैंपिंग पे आके भी गाड़ी में सोना है, इट्स देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग दैट। वो भी कल आएगा ना, कोई नहीं ढक्कन लो, ढक्कन रखो ताकि आँख थोड़ी सी ठहरे तो कोयला जले। क्या हो रहा है भाई? भाई जो जिस गोश्त को कल रात हमने ददून से ख़रीदा है उस गोश्त पे मसाला हमने बिल्कुल तर कर दिया और रात 10:30 बजे हमने मसाला लगाया था, तो रात 10:30 बजे से अब तक क्या टाइम हो रहा है सर? अभी टाइम बताना है यार, कोई कोई टाइम बताएगा? अच्छा कोई टाइम नहीं, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है टाइम का, मेरे ख्याल से 12:15 हो रहे हैं। तो अंदाजन कोई 12 घंटे से ज़्यादा लाइट को मसाला पिए हुए हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला आग लगने है। क्या क्या चीज़ें बारबेक्यू में हैं? लैम चॉप्स हैं, मसाला आपको नहीं बताऊँगा, हमारे पास बारामंडी फिश है, और हमारे पास चिकन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में, देखते हैं खाएंगे। बाकी आपको भी मज़ा आएगा फिर आप कवर कीजिएगा। लेट्स सी। ओह इट्स अनबिलीवेबल मैन, न जाने ये वक्त कब बदल जाए, न जाने के हम कब जुदा हो जाएं, न जाने ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए और न जाने ये सांसें कब तमाम हो जाएं। जब तक हैं ये मेरे साथ तब तक इतना मालूम है मुझे, मैं चाहूँगा सिर्फ तुझे, तेरी कुर्बत को, तेरी आशिकी को और तेरी मोहब्बत को। दीवाना हूँ मैं तेरी बातों का, तेरी मुस्कुराहट का और तेरी जिंदा दिली का। तेरी ये बेबाकियाँ मुझे आज़ाद करती हैं, अपने दिल के गुमान से भी आज़ाद करती हैं। खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती, खुशियाँ आपके पास होती हैं। जस्ट गो आउट, फाइंड देम, अवेल देम, यूटिलाइज देम एंड एंजॉय देम।
because they're only meant to be with you while you're alive. पानी में जाने से पहले हम सोच रहे थे कि पानी बहुत ठंडा होगा और बीमार कर देगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए हैं, पानी में घुसे हैं, बहुत मज़ा आया है। नरम नरम, कोसा कोसा, नीम गरम, नीम गरम, ठंड पड़ गई है और क्रिस्टल क्लियर। लेकिन माने कि जो सफेद सफेद मछलियाँ नजर आ रही थी ना, उनका साया जो था वो बिल्कुल ब्लैक था। ओ हो हो हो, ये एक्सपेक्ट ही नहीं थे कर रहे। एक्सपेक्ट फिर और जो है मछलियाँ बड़ी अच्छी थी और किनारे पे बिल्कुल देखने को नजर आई हैं। अब मैंने तो सिक्कियाँ भी देखी हैं, एक पकड़ने की कोशिश की है लेकिन पकड़ी नहीं गई। एंड द बॉय इज सिक। 24 आवर्स बिफोर उसकी फ्लाइट पहुंची है। Honestly, in the last 48 hours, I've traveled about 15,000 miles, and right now I've got a mixed feeling of nausea, jet lag, and probably a little bit of a headache as well. He's nearly dying. So let's see how it goes. We'll see. It'll be in paradise. Inshallah. I just want to say that dhado mazo aayo. Dhado mazo aayo. Dhado mazo. Dhado mazo. Dhado mazo aayo. Good. 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 एक सब कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, एक पूरा बरे आजम, साइज में इतना बड़ा कि अगर इसके टुकड़े किए जाएं तो पाकिस्तान जितने 7 मुल्क बा आसानी बनाए जा सकते हैं। टोटल आबादी 25 मिलियन के करीब। पानी के बीचों बीच इस मुल्क में 12,000 समुद्री किनारे हैं और पॉपुलेशन कराची शहर जितनी। क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया आज तक इतना अनएक्सप्लोर्ड और इतना अनडिस्कवर्ड रहा? मुझे लगता है कि शायद दुनिया में बहुत दूर है, यही वजह हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो काफी यंग है। एंड ये कहने का मतलब मेरा ये है कि फर्स्ट जनरेशन मेजॉरिटी में है, यानी वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैदा हुए और ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हुए ज़्यादा हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि पाकिस्तानी फैमिलीज में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। तकरीबन पिछले 10 साल में ही रुझान बढ़ा है लोगों का ऑस्ट्रेलिया आने का, जब लोगों ने यूके, अमेरिका, कनाडा छोड़ के ऑस्ट्रेलिया की तरफ आना शुरू किया। सो पाकिस्तानीज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया आर वेरी यंग, एंड बीइंग इन पाकिस्तानी, आई मीन बीइंग इन ओवरसीज पाकिस्तानी, वी आर ऑल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। चाहे मर्जी हम यहाँ पे कितनी अपनी जिंदगी गुजार लें, वी विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड as an immigrant from Pakistan. तो पाकिस्तानी पहचान और पाकिस्तानी नाम बनाए रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर आवर ट्रेडिशंस, आवर कल्चर, आवर रिलीजन, क्योंकि हमारा मज़हब, हमारी सकाफत ही हमारी पहचान है, हमारी ज़ुबान ही हमारी पहचान है। यही चीज़ें जो शायद हमें बड़े सगीर में रहने वाले और लोगों से डिफ्रेंशिएट करती है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि एवरी नाउ एंड देन वी शुड गिव सम टाइम टू ईच अदर। इस तरीके के इवेंट, कैंपिंग पे जाना, घूमना फिरना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज इट इज नो डाउट one of the most expensive countries in the world. उसके बावजूद जो लोग अपनी jobs छोड़ के, अपने काम छोड़ के और अपनी life में other चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों को मेरे साथ enjoy करते हैं, I have a huge respect for those people. चलते चलते आपको ये बताता चलूं कि ये जो मनाजर आप देख रहे हैं
ये कियामा न्यू साउथ वेल्स के हैं, जो कि सिडनी से तकरीबन 110 किलोमीटर्स दूर है. सो इफ यू एवर गेट अ चांस, गो टू दिस प्लेस. इट इज कॉल्ड सर्फ बीच. दे हैव बारबेक्यू एरियाज, शावर्स, एंड यू कैन एक्चुअली बुक अ हट राइट नेक्स्ट ऑन टू द बीच, विच इज गोना कॉस्ट यू अराउंड $120 पर नाइट, विच इज fairly cheap. So go ahead, discover this beautiful piece of land and enjoy your life, because you're only gonna get it once, trust me. Tab tak ke liye, thank you very much for watching this video. Make sure to subscribe to my channel for my upcoming vlogs. Hit the like button and stay tuned. Until then, I'll see you soon. Signing out, Oren K Vlogs.